लगातार रुक रुक के हो रही बारिश ने नगर निगम के जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जहां बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान खिलने लगी, वहीं महानगर के कुछ हिस्सों के लिए बारिश आफत बनती जा रही है। नगर निगम द्वारा जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी तो कराया जाता है, लेकिन दुश्वारियां कम नहीं होती। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर जल जमाव लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आने जाने के लिए लोग इसी सड़क का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब जब बारिश होती है जल भराव हो जाता है। पंप सेट लगवाया गया है लेकिन कोई लाभ नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी नागेंद्र सिंह ने कहा, नागेंद्र सिंह। ये किस तरीके जल जमा हुआ है? कैसा पानी लगा हुआ है? पानी तो ठेवना पर से लगा हुआ, पर लेकिन पंप लगा हुआ खींच रहा है। अब जल्दी खींचेगा तब, अब पंप धीरे धीरे खींच रहा है कि वो पंप लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं इस तरह जल जमाव लगता है तो सब पानी बहुत है। जितना पानी पर जब रास्ता से सब पानी लग जाता है इसमें। ये कौन सा मोहल्ला है? कौन सा मोहल्ला है? दाऊदपुर मोहल्ला है। ये आपके विधायक जी का मकान है? कहा विधायक जी क्या कर रहे हैं विधायक जी? तो आज तक कोई समाधान हुआ कि नहीं? कुछ इसका पानी का समाधान है, कुछ नहीं हो रहा, क्या किया जाएगा? सब लोग क्या कहना चाहते हैं? अब सब लोग यही कहते हैं विधायक जी लेकिन अब क्या किया जब पनिया असल में पानी जाए कहाँ, उधर ज़्यादा रहे हैं, उधर ऊंचा है, इधर भी ऊंचे हैं, वही रुक के बह जाता है धीरे धीरे। पंप लगा खिंचा रहा है सरकार, तो लगाए है पानी चल रहा खींच रहा है। कितनी समस्या होती है आप लोगों को? अरे ये बहुत ही समस्या, कुछ ज़्यादा रहे, एक घंटा दो घंटा खत्म हो जाएगा।